हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहां से आपको इंस्टेंट अप्रूवल, हाई क्वालिटी, हाई डी एंड हाई पीए डू फॉलो बैकलिंक्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स के बारे में बताया हुआ है, आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। तो आप वो वीडियोस जाके मेरे चैनल पे एक बार वॉच कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट को काफ़ी हेल्प मिले, आपकी वेबसाइट बूस्टअप हो एंड साथ ही साथ आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो। तो अब चलते हैं सबसे पहली वेबसाइट की तरफ। हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है mhouse2.imweb.me। ये जितनी वेबसाइट के यूआरएल्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, ठीक है, सिंपल है। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस देंगे, इसके बाद आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीव अ कमेंट का, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है। मैं यहाँ से ऐसे एडसेंस ऐड है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आपको अपना यूआरएल कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके इसको आपको कर देना है सिंपली पेस्ट, ठीक है। आप चाहें तो और भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नाइस इन्फो गाइस, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे राइट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बैकलिंक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे बैकलिंक आ चुका है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके चेक करूँ कि ये डू फॉलो बैकलिंक है नो फॉलो बैकलिंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस वेबसाइट की अथॉरिटी की, कि इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है। सॉरी, रिफ्रेश करता हूँ इस वेबसाइट को एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 48 है, डोमेन अथॉरिटी 59 है एंड स्पैम स्कोर ओनली 1% है। एंड अगर सिमिलर वेब पे इसके स्टेट्स की मैं बात करूँ तो सिमिलर वेब पे इसके प्रॉपर स्टेट्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब की अथॉरिटी है इस वेबसाइट की उस हिसाब से ठीक ठाक ट्रैफिक इस वेबसाइट पर होना चाहिए। अब हम चलते हैं सेकेंड वेबसाइट की तरफ। हमारी जो सेकंड वेबसाइट है, इन ये जितनी वेबसाइट्स के यूआरएल्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये जो वेबसाइट है वो है spoluhracci.cz, रिपब्लिक की ये वेबसाइट है, इस कंट्री की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वेबसाइट की अथॉरिटी एक बार चेक कर लें। तो इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 51 है, डोमेन अथॉरिटी 35 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 16% है। एंड अगर इस वेबसाइट के सिमिलर वेब पे हम स्टेट्स चेक करें तो सीजैक रिपब्लिक में इस वेबसाइट की जो कंट्री रैंक है वो 25,000 के अराउंड है, कैटेगरी रैंक 765 है, बाउंस रेट 46% का है, मंथली ट्रैफिक 23,000 के अराउंड है एंड एवरेज विजिट ड्यूरेशन 1.53 मिनट्स का है। एंड जो वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो सीजैक रिपब्लिक, कोलंबिया, चील, वियतनाम एंड टर्की से है। साथ ही साथ 51% के अराउंड ट्रैफिक इनका सर्च इंजन से है, 37% डायरेक्ट ट्रैफिक है एंड 10.59% के अराउंड ट्रैफिक रेफरल से है। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, या आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। पहले तो रजिस्टर पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और आप इसके थ्रू मतलब साइन अप कर लेंगे। साइन अप के बाद आपके जो ईमेल आईडी है उस पर वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, वहाँ से आप उसको वेरीफाई कर लेंगे और अपने अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं सीजैक से इंग्लिश में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, माई मेन पेज, पर्सनल सेटिंग्स एंड माई क्लब्स का। तो यहाँ पे हम पर्सनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा। एडिट प्रोफाइल में बेसिक डेटा, ठीक है, तो बेसिक डेटा में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अपना जेंडर और बर्थ डेट आप देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पर्सनल डेटा का है, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, निक नेम वगैरह आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अबाउट मी का ऑप्शन है एक, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे आई एम अ डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स चूज़ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली आपको लेटर्स देने हैं, तो ये आपको सजेस्ट करेगा, वो ही ऑप्शन आपको इनमें से ही चूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको एक कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर देना है करना है और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में इसको जाके कर देना है आपको पेस्ट। इसके बाद आप करेंगे सीधा इम्पोज पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप इम्पोज बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो बैकलिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का। मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, माई प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये बैकलिंक आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट पे जाके चेक करूँ कि ये डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं इस वेबसाइट की अथॉरिटी की। तो इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 45 है, डोमेन अथॉरिटी 35 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर सिमिलर वेब पे हम इसके स्टेट्स की बात करें तो हम चेक कर चुके हैं, इस वेबसाइट के जो स्टेट्स हैं काफ़ी ठीक ठाक स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट्स थी जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स आपको मिलेंगे, इंस्टेंट अप्रूवल बैकलिंक्स हैं, तो इन वेबसाइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।